إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कद फाज फ़ौज़न अज़ीमा मोहतरम हाजरीन हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ इज़्ज़त और बड़ाई किबरियाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है रज़ है जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है बादहू उसके तमाम नबियों रसूलों पर दरुद सलाम नाजिल हों खूा आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन वो काम जिनसे बचना ज़रूरी है अब तक इस सिलसिले में सात खुतबे हो चुके हैं और आज ये आठवां खुतबा है बीस बातें ऐसी बताई जा चुकी हैं जिनसे बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमें उन कामों से महफूज़ रखे और उनसे बचने की तोफ़ी इनायत फरमाए यकीसवा काम जिससे बचना ज़रूरी है जादू है जादू किसे कहते हैं जादू कोई ऐसा अमल अंजाम देना जो लोगों के लिए ताज्जुब का सबब बन जाए जो आम आदमी नहीं कर सकता है ऐसे अमल को जादू कहते हैं जादूगर मुशरिक होता है जादूगर काफिर होता है इसीलिए शरीयत में जादू सीखना जादू सिखाना जादू करना जादू करवाना सब हराम है और अगर कोई शख्स जादू सीखता है सिखाता है करता है करवाता है तो वो काफिर हो जाता है इसलिए कि जादूगर उस वक्त तक जादूगर नहीं बन सकता है जब तक कि शिरक का इरतकाब न करे जादूगर ऐसे बहुत सारे अमाल अंजाम देता है जो शिरकियाँ और कुफरियाँ हैं मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ तो जादू ऐसा अमल अंजाम देना जो लोगों के लिए ताज्जुब का सबब बन जाए जादू के ताल्लुक़ से लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं बहुत सारे मुसलमान जादू का सिरे से इनकार कर देते हैं कहते हैं जादू कोई चीज़ नहीं है जादू की कोई हकीकत नहीं है तो एक मुसलमानों का तबका वो है दूसरा वो है जो हर चीज़ में जादू पर अपना ध्यान ले जाते हैं दुकान नहीं चल रही है किसी ने जादू कर दिया घर में बरकत नहीं है किसी ने जादू कर दिया तबीयत मुसलसल ख़राब रहती है किसी ने जादू कर दिया दोनों ग़लत हैं एक वो शख्स जो सिरे से जादू का इनकार कर देता है वो भी ग़लत है दूसरा वो शख़्स जो हर अमल में जादू को अपने जहन में बैठा लेता है कि किसी ने जादू कर दिया है ये भी गलत है जादू की हकीकत है जादू किया जाता है जादू करवाया जाता है लेकिन हर चीज़ में जादू नहीं होता है इंसान की तबीयतें ख़राब होती हैं पहले भी ख़राब होती थी आज भी हो रही हैं आइंदा भी होंगी दुकान और मकान का मामला है कभी खैर बरकत होती है कभी अल्लाह तबारा को तला कसात बाजारी या खैर बरकत को खींच लेता है ताकि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए इसका जादू से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो ये दोनों नज़रियात एक वो शख्स जो जादू का सिरे से इनकार कर देता है ये भी ग़लत है दूसरा वो शख्स जो हर चीज़ में जादू पर यकीन रखता है ये भी ग़लत है जादू होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया था सही बुखारी की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू का असर हुआ तो कई दिनों तक आप उसमें मुब्तला रहे कभी कभी ऐसा होता था कि आपने कोई काम नहीं किया है लेकिन ऐसा लगता था कि आपने कर लिया आपको एहसास होता था कभी कभी आपने कोई काम किया होता था लेकिन आपको एहसास होता था कि आपने वो काम नहीं किया है तो आपके ऊपर जादू किया गया सही बुखारी की हदीस है लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताते चलूँ कोई आदमी दीन के मामले में शकूक व शुभहात में मुबतला ना हो जाए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू किया गया था दीन पर उसका कोई असर नहीं हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मामूलत आपका सोना जागना खाना पीना बातचीत करना किसी को कुछ लेना देना सिर्फ इतना इतने पर असर हुआ था आपको कोई चीज़ देनी थी आपने नहीं दिया और आपको मालूम होता था कि मैंने दे दिया है कभी कभी आप खाना नहीं खाए होते थे और आपको एहसास होता था कि आपने खाना खा लिया है तो ये तर्ज ज़िंदगी पर इसका असर हुआ था दीन के मामले में जादू का असर नहीं हुआ था क्यों ये हमारे अकीदे से जुड़ा हुआ है अगर कोई शख्स ये अकीदा रख ले कि अल्लाह के नबी वसल्लम पर जादू कर दिया गया था तो पूरा दीन मशकूक हो जाएगा दीन के मामले में आपके ऊपर जो जादू किया गया था उसका असर बिल्कुल नहीं हुआ हजरत आयशा सिद्दीक़ रजी अल्लाह तैाल कहती हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी ससरम हमारे साथ थे हमारे कमरे में थे सोए हुए थे और कहा कि आयशा खुश हो जाओ अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया मेरी परेशानी को दूर फरमा दिया कहा हुजूर क्या मामला है कहा ये जो मेरे ऊपर जादू का असर था अल्लाह ने ख़त्म कर दिया मैं लेटा हुआ था मेरे पास दो फरिश्ते आए एक मेरे सरहाने की तरफ बैठ गया दूसरा मेरे पैर की तरफ बैठ गया एक एक फरिश्ता दूसरे से सवाल करता है कि इस आदमी को क्या हो गया है तो दूसरा फरिश्ता कहता है कि इसके ऊपर जादू कर दिया गया है फिर पूछता है कि जादू करने वाला कौन है तो फरिश्ता कहता है उसका नाम लबीद बिन आसम है लबीद बिन आसम एक यहूदी था बनी जोरेक का उसने अल्लाह के वसल्लम पर जादू किया था फिर फरिश्ता पूछता है किस चीज में जादू किया गया है तो कहता है कंघी बाल और अंगूर के खोशे में फिर फरिश्ता पूछता है कि वो जादू करके रखा कहां गया है तो कहते हैं कि बेरे जरवान में उसको दफन किया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पूरी मालूम हुई आप कुछ सहाबा के साथ बेरे जरवान गए आपने देखा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ी और रजी अल्लाह से आकर बयान किया कि आयशा वो मकाम जहाँ पर जादू को दफन किया गया था मैंने देखा कि उस कुएँ का पानी बिल्कुल सुरख हो गया है जिस तरीके से मेहंदी निचोड़ दी जाती है वो पानी बिल्कुल सुर्ख हो गया है उस पानी पर जादू का असर हो गया है उस मकाम पर वहाँ जो खजूर के दरख्त थे मैंने देखा कि वो खजूर के दरख्तों की जो मुंडियाँ थीं वो शैतान के सरों की तरह थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात खुद बताई एक रवायत से पता चलता है कि उसके अंदर ग्यारह गिरहें डाली गई थीं और अल्लाह तबारक तआला ने कुरानी मजीद की दो सूरतें नाजिल फरमाई कुल ब रब और कलाउज ब इसमें ग्यारह आयतें हैं एक आयत पढ़ते जाइए एक ग्रह खोलते जाइए इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और आप जादू से बिल्कुल आज़ाद हो गए तो जादू की हकीकत है जो लोग जादू का इनकार करते हैं वो ग़लत है और जो लोग हर चीज़ में अपने जहन में जादू का असर बैठा लेते हैं ये भी गलत है जादू और मोज़ा दोनों में फ़र्क है पुराने मजीद में अल्लाह तबारक ताली ने बार बार अम्बिया कराम का तस्करा करने के बाद फरमाया कि कौम के लोगों ने कहा यह जादूगर है क्यों इसलिए कि अम्बिया ऐसे काम अंजाम देते थे जो आम इंसान नहीं कर सकता है जब उस अमल का ताल्लुक़ अम्बिया से हो तो इसको मुजज़ा कहते हैं और आम इंसान नाफरमान की तरफ हो तो वो जादू है अल्लाह तबारक तम्बिया कराम के हाथों से बहुत सारे मज़जात ज़ाहिर फरमाए मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ अलबा कुछ इशारे कर देता हूँ हैत मूसालीसलात इसम को अल्लाह तला ने एक लाठी दी थी वो लाठी जब हैत मूसा लल इस्लामाम छोड़ते थे तो सांप बन जाता था अजहा बन जाता था आम लोगों की निगाह में ये क्या है जादूगरी है लेकिन शरीयत कहती है कि ये मुजजा था मूसा हैतमूसा अलीसलातम को अल्लाह ताला ने एक और मौजा दिया था आप अपने हाथ को बगल में डालते थे और उसके बाद निकालते थे तो उससे रोशनी फूटने लगती थी जैसे कि टार्च से रोशनी निकलती है तो ये मौजा दिया गया था ईसा हिसा सलातम को अल्लाह ताला ने यह मौजा दिया था कि किसी गंजे के सर पर हाथ फिरा देते थे, थे तो बाल आ जाता था, थे 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 तो तो जाता था। किसी अंधे के आँख पर हाथ फिरा देते थे तो उसकी रोशनी आ जाती थी ये मोज़ज़ा उनका अपनी तरफ से नहीं था यह अल्लाह ने दिया था सलाम की फरमाइश पर अल्लाह ताला ने चट्टान फाड़ करके वहाँ से एक ऊँटनी निकाली ये सब मोजात थे कभी कभी ग़ैर नबी से भी ऐसे ऐसे मजा शादिर होते हैं तो एक तो यह है कि नाफरमान जो करता है वो जादूगरी है अंबिया के ताल्लुक से जो होता है वो मोजा है अम्बिया के अलावा कुछ और लोगों के तल्ल से कभी कभी इस तरह के अमल जाहिर हो जाते हैं जिसको करामत कहते हैं हजरत मरियम अलत व तस्लीम नबी नहीं है नबी नहीं है कोई औरत नबी नहीं हुई है लेकिन अल्लाह तबारक वाली ने इनसे ऐसे मुजजात ज़ाहिर फरमाए जिसको शरीयत में करामत कहा जाता है आमतौर पर किसी इंसान की पैदाइश होती है तो मियाँ बीवी के मिलने से बच्चा बनता है फिर वो पैदा होता है लेकिन हजरत सलाम की पैदाइश इससे अलग थी हज़रत मरीम ने कोई शादी नहीं की थी अल्लाह के हुक्म से हजरत जबरील ने मरीम के गिरीबान में फूंक दिया और वो हामला हो गई जब हमल वज़ा होने का वक्त आया जब विलादत का वक्त आया और दर्द ज़ह बढ़ा तो हैत मरियम बहुत परेशान हुई अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ला जगह पर चली जाओ हैत मरीम अलत व तस्लीम वो उस मकाम पर गई जहाँ अल्लाह ने इशारा किया था कुरान मजीद में पूरी तफसी मौजूद है तो अहत मरियम ने वहाँ पर क़याम किया दर्द जह हुआ बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम ईसा रखा गया ईसा आलाम ने बचपन में ही गुफ्तु की वहाँ पानी का एक चश्मा निकला नबी नहीं थी लेकिन पानी का चश्मा अल्लाह ने निकाला खजूर का दरख्त इतना मोटा और उसका तना इतना मजबूत होता है लेकिन अल्लाह ताला ने हत मरीम से कहा कि खजूर के तने को पकड़कर हिलाओ ऊपर से खजूरें गिरेंगी। आप आप तहकीक करके देख लें आप खजूर के दरख्त को हिला नहीं सकते हैं लेकिन हजरत मरियम ने जब खजूर के तने को दरख्त को हिलाया तो उससे खजूरें गिरने लगी ये मोजा था ये करामत थी इसमें हजरत मरियम का कोई अमल दखल नहीं है यहाँ मैं आप एक बात वजाहत करते चलो बहुत सारे लोग करामत में जीते हैं उनके बुज़ुर्गों की तरफ़ से ये करामत हो गई ये अक्सर ये बातें गलत होती हैं इसमें किसी की बुज़र्गी का ये, ये कसबी चीज़ नहीं है कि आदमी तपस्या करके मेहनत करके ऐसा हासिल कर ले अल्लाह ताला जब चाहता है किसी के हाथ से रूनमा कर देता है वो आपके साथ भी हो सकता है हमारे साथ भी हो सकता है बुजुर्गी और करामत किसी के साथ खास नहीं है इसीलिए बहुत सारे लोग करामतों को अलिया के साथ जोड़ करके अलिया की तज़ीम में गलू करते हैं अला अलिया लाख ला फन अल मोला हन तो ये अकीदे किससे ताल्लुक़ है इसका अम्बिया राम से मोजात जो जाहिर होते हैं इसमें भी अम्बिया का अपना कोई अमल दखल नहीं है जब अल्लाह चाहता है ज़ाहिर करता है अगर किसी से कोई करामत ज़ाहिर होती है तो इसमें उस बुजुर्ग का कोई असर नहीं है अल्लाह ताला जब चाहता है ज़ाहिर करता है यह कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा कफ़र सलीमान वला शयातिन कफ़रु युम ना सहर सुलेमान ने क़्र नहीं किया शयातीन ने क़्र किया था जो लोगों को जादू सिखाते थे सुलेमान सलेमानसलातम इस कायनात की वो हस्ती हैं आपको जो मकाम मिला वो किसी को नहीं मिला हैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसी सल्तनत अता की थी जो आज तक किसी को नहीं हुई और क़यामत तक नहीं मिलेगी हैत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि आए अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत और हुकूमत अता फ़रमा जो मेरे बाद किसी के लिए लायक ना हो और आप पढ़िए मजीद अल्लाह तबारक तआला ने है सलीमान को वह सल्तनत अता की आप इंसानों के अलावा जिन्नों पर भी हुकूमत करते थे ये चरिंद परिंद आप इनके ऊपर भी हुकूमत करते थे और यही नहीं बल्कि उससे बढ़कर ये कहूँ हवाओं के ऊपर भी आपकी हुकूमत थी हैत समानसलातम तो के पास एक तख्त था जिसको तख्त सुलेमानी कहते हैं हैत अलैहिस्सलाम अपने आवान व अनसार के साथ उस तख्त तख्त पर बैठते थे और हवा को हुकुम देते थे वो हवा उस मकाम पर उनको पहुंचा देती थी जहां वो जाना चाहते थे कुरने मजीद में सूर्य सबा के अंदर अल्लाह तबार को तौल ने इसकी वजाहत फरमाई है सुबह से लेकर के दोपहर तक हजरत सलीमान सलाम उतना सफ़र तय कर लेते थे जितना एक महीने में एक इंसान करता था और दोपहर से लेकर के शाम तक उतना सफर तय कर लेते थे जितना एक महीने में इंसान करता था यानी सुबह से शाम तक हैरत सलीमान सलातम उस तखत पर बैठ कर दो महीने का सफ़र एक दिन में कर लेते थे यकीन आज इंसान तरक्की कर गया है साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है हम हवाई जहाज़ में बैठ कर उड़ते हैं घंटों का कई दिनों का सफ़र घंटों में हो जाता है यकीन ये 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 साइंस और टेक्नोलॉजी कोई नई बात नहीं है आज से हज़ारों साल पहले हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान सलात ने ये टेक्नोलॉजी अपनाई थी अल्लाह ने ये हुकूमत दी थी हज़ारों साल पहले हते सुलेमान अलैहिस्सलाम तखत पर बैठते थे और जहां चाहते थे उड़ जाते थे मेरे भाइयों साइंस और टेक्नोलॉजी हर जमाने और हर दौर में रही है लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस्लाम को और मजबूत करना चाहिए बल्कि गुमराही का शिकार नहीं होना चाहिए है हैत सलीनान सलात की इस हुकूमत को देख कर इस सल्तनत को देख कर इस पावर को देख कर के बाज इंसानों और जन्नों के जहनो दिमाग में ये बात पैदा हो गई कि हो ना हो ये जादूगरी है हो ना हो ये जादूगरी है अल्लाह ने उसी की तरफ इशारा फरमाया वमा काफरा सलेमानो सलेमान ने कुर नहीं किया बाज इंसानों का और जिन्नों का अकीदा था कि हित अलैहिस्सलाम जादू के जरिए से इंसानों पर हुकूमत करते हैं जादू के जरिए से जिन्नों पर हुकूमत करते हैं अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, जादू के जरिए से नहीं सलेमान ने कोई कुफर नहीं कियाफ्र किया वो लोगों को जादू सिखाते थे अल्लाह तबारक वाली ने लोगों की असलाह के लिए दो फरिश्तों को भेजा एक का नाम हारूत दूसरे का नाम मारोत हारूत मारोत इंसानी शक्ल में आए फरिश्ते थे ये लोगों को जादू सिखाते थे जादू की हकीकत बताते थे और बताते थे कि ये जादू कोई चीज़ नहीं है इस पर ईमान नहीं लाना चाहिए सुलेमान सलेमानलीसलातम की जो हुकूमत है वो जादू के ज़रिए से नहीं है ये वह भी है अल्लाह ने अता किया है और तुम्हारा जो जहन है कि जादू के ज़रिए से है तो सलीमानसलातम लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं ये अक़ीदा गलत है इन फरिश्तों को हारुत और मारूत को यही समझाने के लिए अल्लाह तबारक ने भेजा था लेकिन इन लोगों ने क्या कहा हम आज़माइश हैं हम आजमाइश हैं हमारे ताल्लुक़ से तुम्हारा अकीदा बहुत दुरुस्त होना चाहिए ये लोगों को जादू सिखाते थे कहते थे कि ये आजमाइश है जादू सीखना जादू सिखाना लोग उनसे जादू सीखते थे जिसके ज़रिए से मियाँ बीवी में जुदाई करवा देते थे अल्लाह ताला ने फरमाया शयातिन ने कुफ़्र किया लोगों ने जादू सीखा हारूत मारूत बता देते थे कि ये जो हम सिखा रहे हैं ये कुफ़्र है और यह तुम्हारे लिए आजमाइश है ये तुम्हें बताने के लिए समझाने के लिए है तुम इसको मत सीखो इस पर अमल मत करो लेकिन लोगों ने सीखा अमल किया और गुमराह हुए हजरत सलीमान सलात का जब इंतकाल हुआ जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे जादूगरी की तमाम किताबों को हजरत सलीमान सलाम ने अपनी कुर्सी के नीचे दफन करवा दिया था इसीलिए बहुत सारे लोग कहते थे कि उसी जादूगरी को अपना करके सुलेमान सलेमान हुकूमत कर रहे हैं हैत समान का रोबो दबदबा इतना इतना ज्यादा था उस सूर्य के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि सुलेमान सलीमान इस्लाम का इंतकाल हो गया इंतकाल होने के बाद कई दिनों तक सुलेमान सलीमान अलीम अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और अपनी लाठी पर टेक लगाए रहे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा हैबत और रोबो जलाल का हाल ये था कि कोई सुलेमान सलाम को देखता भी नहीं था कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि है सुलेमान सलाम जिस लाठी पर टेक लगाए हुए थे जब वो घुन गया और टूट गया और टूटने की वजह से सुलेमान सलाम गिर पड़े तब लोगों को मालूम हुआ कि सुलेमान का इंतकाल हो गया मेरे भाइयों ये पूरा वाकया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया जादू सीखना जादू सिखाना जादू करना जादू करवाना ये सब हराम है कुफ्र है।, है तो उमर बिन बिलख़ रजी अल्लाह ने अपने दौरे खिलाफत में ऐलान किया कि कहीं भी कोई जादूगर मिले तो उसको कत्ल कर दिया जाए चाहे वो मर्द हो या औरत जादूगर जादूगरनी दोनों को कत्ल कर दिया जाए हदीस में आता है कि है तो उमर बिन खताब रजी अल्लाह तु के ज़माने में तीन जादूगरों को कत्ल कर दिया गया जादू से मिलता हुआ एक लफ्ज है कहानत मुस्तबिल की बातें बताना किस्मत मालूम करना यह भी बहुत बहुत सारे मुसलमान इसमें पड़े हुए हैं बहुत सारे मुसलमानों के बारे में मालूम हुआ कि अगर शादी ब्याह का मौका आता है तो वो डेट फाइनल नहीं करते हैं जब तक कि अपने पीर से ना मिलने जब वो बताता है कि कौन सा महीना मुनासिब है तो उसी महीने में रखते हैं कौन सी तारीख मुनासिब है तो उसी तारीख में रखते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये बदकीदगी हैं इसकी कई किस्में हैं कुछ लोग सितारों को देख करके आने वाले वक्त का पता लगाते हैं बताते हैं इसको नजूमी कहते हैं बाज़ लोग हाथ की लकीरों को देख करके किस्मत बताते हैं इसको अर्राफ कहते हैं बाज लोग किसी परिंदे से या किसी और जरिए से करते हैं उनको कहानत कहते हैं तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में हराम है नाजाइज हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अता्राफ़न औ काहिनन जो किसी कयाफ़ा शनास के पास गया या किसी काहिन के पास गया फ़सद द कहू बमा यकोल और उसकी बात को तस्दीक कर लिया फ़कद कफरा बेमा उन जिला अला मोहम्मद तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ यानी उसने शरीय मोहम्मदी का इनकार कर दिया काहिन के पास जाना और राफ के पास जाना नजूमी के पास जाना किस्मत का पता लगाना और उसकी बातों को यकीन करना वो आदमी मुसलमान नहीं रह जाता उसने नबी की शरीयत का इनकार कर दिया उसको खुद अपनी किस्मत नहीं मालूम है वो आपकी किस्मत क्या बताएगा लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो काहिनों पर यकीन रखता है इसी तरीके से उसी से मिलता जुलता एक और मामला जो हमारे दरमियान है वास्तव कोई आपके घर में आता है और बताता है कि आपके घर का वास्तव सही नहीं है यह वास्तव ऐसा होना चाहिए यह भी उसी से जुड़ा हुआ है इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रवायत में कि अगर कोई शख्स किसी अर्राफ या किसी काहिन के पास गया सिर्फ जाने की वजह से उसके बाद पूछा नहीं उसकी बात पर यकीन नहीं किया बात पूछा यकीन किया तो वो शरीय मोहम्मदी का इनकार किया लेकिन बात पूछा नहीं यकीन नहीं किया सिर्फ अर्राफ के पास गया हमारे नबी ने फरमाया सिर्फ जाने की वजह से चालीस दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं होगी चालीस दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी किसी अर्राफ और काहिन के पास नहीं जाना चाहिए इसी तरीके से बाईसवा काम जिससे हमको बचना है और बचना ज़रूरी है वो है कत्ल करना कत्ल ये इस्लाम में नाजाइज और हराम है कबीरा गुना बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि किसी ने किसी मुसलमान को जानबूझ करके कत्ल कर दिया तो उसने कुफ्र का काम किया वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता है अल्लाह तबारक इल्ला बिल हक बिल्क इसरा की आयत है तुम किसी भी नफ्स को कत्ल मत करो सिवाय उसके जो अल्लाह अल्ला तारा ने जो हराम कर दिया है सिवाय उसके जो हक है ये हक क्या है तीन तीन ऑप्शन है तीन गुनाह हैं जिसकी बुनियाद पर किसी को कत्ल किया जा सकता है नंबर एक शादी शादीशुदा शादी कोई आदमी है उसके बावजूद भी उसने जना कर लिया तो शरीयत का हुक्म है उसको रजम किया जाएगा इसी तरीके से अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो कत्ल करने के जुर्म में उस कातिल को कत्ल किया जाएगा यह दूसरा है तीसरा इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो गया कोई मुसलमान नहीं हुआ कोई बात नहीं उसको अख्तियार है लेकिन मुसलमान होने के बावजूद फिर वो कुफ्र में चला गया मुरतद हो गया तो उसको कत्ल किया जाएगा और यह कहां नाफिज होगा जहां पर इस्लामी कानून हो जहां पर इस्लामी मुल्क हो जहां पर शरीयत का कानून चलता हो आप अपने मुल्क में अपने शहर में इसको नाफिज नहीं कर सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया इन हराम अलैकुम वह आराज हरा मुना फी शहरुम हाद फी बलदा बेशक तुम्हारा माल तुम्हारी जान तुम्हारा इज्जत आबरू एक दूसरे के ऊपर हराम है जैसा कि ये दिन हराम है जैसा कि ये महीना हराम है जैसा कि ये शहर हराम है आपने ये बात कब कही आप मक्का में थे अरफात के मैदान में थे और आपने कहा जिस तरीके से जिलहिज्जा का महीना हुरमत वाला है जिस तरीके से ये दिन अरफा का मैदान ये हुरमत वाला है जिस तरीके से ये ये शहर मदी हुरमत वाला है इसी तरीके से एक दूसरे की जान लेना एक दूसरे की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना एक दूसरे के माल पर नाजायज कब्जा करना हराम है इन नामुआलकुम व आराजकुम व वा, अमवालकुम वा, इन नामुआलकुम व दिमाकुम व आराजकुम हराम अलैकुम का हुरमत यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा तो कत्ल करना इंसानों का कत्ल तो छोड़िए हमारी शरीयत में किसी जानवर का कत्ल करना भी जायज़ नहीं है इल्ला ये कि उसका कोई शर्यी मसला हो आपको मालूम होना चाहिए कि एक औरत जिसको जहन्नम में डाला गया क्यों उसने एक औरत को उसने एक बिल्ली को पकड़कर बांध दिया था बांधा तो उसको खाना देना चाहिए उसने खाना नहीं दिया पानी नहीं दिया और ना उस बिल्ली को छोड़ा कि वो जाकर के अपना खाना खुद तलाश कर ले तड़प कर मर गई अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया किसी जुर्म की वजह से अल्लाह ने उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया इंसान छोड़ो जानवर को ना तौर पर मारने वाला वो भी जन्नत में नहीं जा सकता आज कत्ल खून गारत आम हो गया है एक इंसान अपनी ताकत के बल पर जिसको चाहता है कत्ल कर देता है मुल्क के और और दुनिया के मुख्त मुल्कों में जो कत्ल और गिरी का माहौल फैला हुआ है यह हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कोई आदमी अपने ताकत के नशे में चूर हो करके अगर इस तरह की हरकतें करता है अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा सुलंतरमिजी की एक हदीस सुनिए अल्लाह के नबी सल्ला फरमाते हैं अगर ज़मीन और आसमान वाले अगर ज़मीन और आसमान वाले यानी सारे इंसान और सारे फरिश्ते अगर ज़मीन और आसमान वाले तमाम के तमाम लोग एक मोमिन का खून बहाने में शरीक हो जाए अल्लाह सबको जहन्नम में डाल देगा कोई फिक्र नहीं है मोमिन मोमिन की इज्जत मोमिन का जान मोमिन का माल अल्लाह को बहुत महबूब है किसी मोमिन का कत्ल करना यह अल्लाह को पसंद नहीं है जो लोग मासूम बच्चों का कत्ल कर रहे हैं जो लोग खुतिन का कत्ल कर रहे हैं वो कान खोल कर सुन ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोगों को अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा मासूम बच्चों के ऊपर मिजाइल बरसा करके उनको कत्ल कर दिया जाता है उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया उनके घरों को मुनहदिम कर दिया गया उनकी उनकी खुतिन और उनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया कितने बच्चे यतीम हो गए कितने बच्चे इंतकाल कर गए कितनी औरतें इंतकाल कर गईं और कितने जख्मी तड़प रहे हैं कराह रहे हैं अल्लाह तू उन सबकी मदद फरमा मेरे भाइयों है तो उमर बिन खताब रजी अल्लाह तु के ज़माने में एक वाक़ आया एक मुकदमा पेश आया के कुछ लोगों ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया एक मुल्क है वहां के लोगों ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया कत्ल कैसा किया उसको सूली पर चढ़ा दिया तहकीक की गई तो छह लोगों का नाम निकला छह लोगों का नाम निकला है तो उमर बिन रजी ने कहा उन छह लोगों को फांसी दे दी जाए उन छह लोगों को फांसी दे दी जाए कुछ लोगों ने कहा मोमिनीन, एक बच्चे के लिए छह लोगों का कत्ल करना मुनासिब नहीं है है तो उमर बिन खताब रजी अल्लाह ने कहा तुम छह की बात करते हो अल्लाह की कसम अगर उस एक बच्चे की कत्ल में पूरा सना शामिल होता तो मैं पूरे सना को फांसी दे देता इस्लाम इंसाफ चाहता है, इस्लाम अजल चाहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मशहूर हदीस दो मुसलमान आपस में मिलते हैं दोनों के हाथ में तलवार लड़ते हैं एक दूसरे का कुछ तो खून करते हैं मुसलमानों की बात है एक आदमी कत्ल कर दिया एक आदमी कत्ल हो गया प्यारे नबी ने फरमाया दोनों जहन्नम में जाएंगे दोनों जहन्नम में जाएंगे साहबा ने पूछा हुजूर जो आदमी कातिल है वो जहन्नम में जाएगा पता चलता है जो मकतूल है वो क्यों जहन्नम में जाएगा तो आपने फरमाया काना हरीसन अला सन अला वो अपने भाई को कत्ल करना चाहता था मौका नहीं मिला उसने भी तलवार उठाई थी उसने भी हथियार उठाया था वो भी अपने भाई को कत्ल करना चाहता था ये तो इतफाक की बात है ये कत्ल नहीं कर सका वो कत्ल कर दिया मेरे भाइयों कत्ल का इरादा करना और उसको बरूए कार लाने के लिए वसाइल का अपनाना ये तमाम चीजें हराम हैं आज कत्ल वारत गिरी आम है अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए तीसवीं चीज जिससे बचना हम आपको हम और आपको ज़रूरी है यतीम का माल खाना यतीम ये समाज और माशरे का बहुत ही दबा और कुचला हुआ शख्स होता है जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो बचपन में जिसकी वालिदा का इंतकाल हो गया है या दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया ऐसे बच्चे को यतीम कहा जाता है ये मोहताज होता है लोग यतीम दो तरह के होते हैं एक यतीम वो होता है जो गरीब था मस्किन था उसके पास कुछ नहीं था तो समाज और माशरे को लोगों को चाहिए कि उस यतीम को सहारा दें उसके जीने के लिए वसाइल मुहैया कराएं, और एक यतीम वो था जिसका बाप मालदार था और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ कर गया है तो बहुत सारे लोग जो यतीम की सरपरस्ती करते हैं यतीम का माल खा जाते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि यतीमों पर म करने वाले उसके अपने होते हैं कोई गैर नहीं होता उसके चाचा उसके मामू, उसके खालो, यही लोग जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उसके ऊपर दस्त शफकत रखते हैं और धीरे धीरे उसके माल को हथियाने की कोशिश करते हैं समाज और माशरे में यही हो रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के दर्द को महसूस किया क्यों आप ख़ुद भी यतीम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने माँ के पेट में थे कि पेट में थे वालिद का इंतकाल हो गया अभी आप पैदा नहीं हुए थे जब आपकी पैदाइश हुई छः साल के हुए तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया आठ साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया मिला है आमिना को फजल बारी से यतीम ऐसा नहीं है बहर हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी का माहौल देखा था आपने यतीमी की यतीमी की मार आपने सही थी लोग यतीमों पर कितना जुल्म करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए महसूस किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए एक अपनी कलबी का कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल सख्त हो गया है मैं बड़े से बड़े हादसा देखता हूँ मुझे कुछ एहसास नहीं होता है मैं इमोशनल नहीं होता हूँ मुझे कुछ फील नहीं होता है हमारे नबी ने फरमाया यतीमों के साथ बैठा करो यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखा करो अल्लाह व तआला तुम्हारे दिलों को नरम कर देगा मेरे भाइयों, समाज और माशरे में बहुत सारे यतीम हैं उन यतीमों के साथ बैठिए उनके साथ बातचीत कीजिए यतीमों का माल खाने की कोशिश न कीजिए अल्लाह ने फरमाया फरमा इन्नल नदीना या अमवाल अल यतामा जुल्मा। सुनो जो लोग यतीमों का माल जुल्म के तौर पर खाते हैं इन नमा फी क्लू नारा वो अपने पेट में अंगारे भर रहे हैं वो सैसलना सईरा और वो जहन्नम में डाले जाएंगे यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा होना तो यह चाहिए था कि यतीम का माल उसको वापस कर दिया जाए और मदद करके खुद और कुछ और माल दिया जाए लेकिन लोग यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं इसी तरीके से एक और आयत में अल्लाह ने फ़रमाया व आतुल यताम अमौाल हम यतीमों को उनका माल उनके हवाले कर दो वला तब्दल्ख़बी सबी तयब उनके अच्छे माल को लेकर के ख़राब माल उनको ना दो वाला तमूल हम इलामालकम उनके माल को अपने माल में मिला कर मत खाओ इन नहू का ना हो बन कबीरा बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है ये बहुत बड़ा गुना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचो आपने उसमें सात बातों का जिक्र किया जिसमें से एक बात ये थी जादू और दूसरी बात यह है कि यतीम का माल खाना मेरे भाइयों यतीमों पर जुल्म हो रहा अल्लाह अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे यतीमों का माल न खाएं हो सकता है आपकी सरपरस्ती में आपकी किफ़ालत में कोई यतीम हो उसके साथ उसने सलूक करें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें उन कामों से बचने की तौफीक नायत फरमाए जिन कामों से बचने का हुक्म दिया गया है और उन कामों को अंजाम देने की तोफ़ी नायत फ़रमाए जिन कामों को करने का हुक्म दिया गया है अल्लाह हम सब को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे खात्मा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रबना तखब्बल मन्ना कांत समय उलिम वतुबलैना न कांतः तवाबरहीम बहमति का या अरहमर नामीन الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد <على का माबारक तला इब्राहीम वली ब्राहीम इन्का हमीदुमजीद मनसुर मन नसरदीन महमदिन सल वस वजालनाम वजुलमन ख़लदीन महमदिन सल वसम वजालमिन इबादल्लाकुमल्न अमरुबिलादल वसान ويتعي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه